तो भाई लोग द नन 2 का ट्रेलर आ चुका है। जो ट्रेलर में दिखाया जाता है कि इस बार द कंजरिंग जैसा सबसे बड़ी डरावनी नन का सामना करना पड़ेगा। आप सबने तो देखा ही होगा 2013 में आई जेम्स वॉन की द कंजरिंग। यह फिल्म दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है और यह फिल्म एक सच्ची घटना पर बनाई गई थी। ऐसा कहा भी जाता है कि जब वेरा फॉर्मिगा ने लॉरेन वॉरेन का किरदार निभाई थी तो लॉरेन इस पर इतना हावी हो गई थी कि कंजरिंग के सेट पर फॉर्मिगा को रहस्यमय 3 पंजों के निशान मिले। एक इनके लैपटॉप पर निशान था और दूसरा इनके पैरों पर, जो इस निशान यहाँ पर आत्मा होने का दावा किया जा रहा था। और उस लोकेशन पर सचमुच में कभी कभी विश्वास न करने जैसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होता था, जिसकी कहानी थी 1971 में जब रोजर और कैरोलिन ने अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस में अपने परिवारों के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैंडी होता है। सैंडी पहले ही दिन से इस घर में रह रहे उस बुरी आत्मा को महसूस कर लेता है और इसलिए अगले दिन अचानक सैंडी की मौत भी हो जाती है, जिसके बाद ही इस घर की बुरी आत्मा रोजर के परिवारों पर हावी होने लगती है। फिर रोजर इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एड नाम का एक ओझा को बुलाता है और एड अंत में इस बुरी आत्मा से रोजर के फैमिली को बचा लेता है और प्रेत को अभिशाप से हटाकर उसे नर्क में भेज देता है। ठीक इसी तरह द नन 2 को द कंजरिंग फिल्म की कड़ी से जोड़ा गया है। जो ट्रेलर की शुरुआत में एक सोफी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सोफी को स्कूल में पढ़ने के दौरान इसे कुछ शैतानी आत्मा का महसूस होता है जो नन होती है। ट्रेलर को अगर ध्यान से देखे तो पता चलता है कि पहले नन सभी के लिए इस जगह का एक फरिश्ता हुआ करती थी, जो अब शैतान बन चुकी है। और शैतान बनने की इसके पीछे की कहानी का क्या सच है कोई नहीं जानता। शैतान अपनी शक्ति पाने के लिए, जो ईश्वर ने इसकी शक्ति छीन ली है, इसे वापस लेने इस जगह पर आती है, जहां लाइब्रेरी में सिस्टर आयरिन को दिखाया जाता है, जो शैतान अपनी कहानी को बताने की कोशिश करती है और अंत में सिस्टर आयरिन को नन पकड़ लेती है। मुझे लगता है 8 सितंबर को द नन 2 रिलीज होने वाली यह फिल्म एक मरी हुई नन की कहानी को बताता है, जो उसके मरने के बाद बहुत साल गुजरने पर इस जगह पर शायद एक स्कूल बनाया जाता है और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर शैतानी आत्मा हावी होने की कोशिश करती है। और एक सीन में ऐसा भी दिखाया गया है जो इस बात को साबित करता है, जहां हॉस्टल में रह रहे कुछ लड़कियां दूसरे कमरे में अचानक एक शैतानी नन को देखती है और जो नन इन सभी को मारने की कोशिश भी करती है। और इसी तरह इस फिल्म की कहानी एक डरावनी कहानी में बदल जाती है।